सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, टाइम हो रहा है अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज सुबह सुबह ही हम आ गए हैं खेत। अगर आपने पिछला व्लॉग पूरा देखा होगा तो पता होगा आपको कि मैं आया था यहाँ कटिंग करने। गाइस, तो बस सुबह सुबह हम खेत पहुँच गए हैं, भैया भी आ गया, अभी मामू आ रहे हैं, फिर हम करेंगे स्टार्ट कटिंग करना। गाइस, तो बने रहे आप। तो गाइस, यहाँ भैया बैठे हैं। हेलो भैया, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? ओके गाइस, आप यहां से देख सकते हैं व्यू, सामने तो धुएं की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। तो गाइस, मामू पहुंच गए। हेलो मामू। हेलो, लग गया कटिंग करने। गाइस, एक पेड़ काट भी दिया है और यहां ऊपर भी लगे है भैया। तो गाइस, फाइनली धूप भी लग गई है यहाँ और ये लोग भी पेड़ में ऊपर ऊपर चढ़ के कटिंग कर रहे हैं, बढ़िया घेड़े घेड़े में। देखो, एक इधर, दूसरे वो पीछे पेड़ पे। तो गाइस, ये लोग तो लगे हैं कटिंग करने, तो मैं करता हूँ अब छिटिया उठाने का काम, क्योंकि कटिंग तो मेरे को आती नहीं करनी, तो बस छिटिया उठाते हैं फटाफट से। तो गाइस, यहाँ छिटिया इकट्ठी कर दी है मैंने, थोड़ी यहाँ की है, थोड़ी यहाँ जैसे नीचे, थोड़ी यहाँ जैसे ऊपर। बाकी गाइस, अब बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ। बाकी धूल बहुत ज्यादा है गाइस, कसम से बारिश नहीं लगी ना इतने टाइम से। हाँ, बारिश नहीं लगी ना इतने टाइम से, जिस वजह से धूल बहुत उठ रही है, जुकाम लगेगा पक्का। चलो रेस्ट करते हैं अब थोड़ा। तो गाइस, काम करते करते थक गए थे और भूख भी लगी थी, तो हम आगे खाना खाने। अब खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से चलेंगे। तो गाइस, खाना खा के आ गए हम, अब थोड़ी देर से करेंगे हम फिर से काम करना स्टार्ट, मतलब मामू और भैया कटिंग करेंगे, मैं छिटिया उठाऊंगा। बाकी बड़ी ठंडी हवा चल रही है गाइस, लगता है आज बारिश आएगी और मौसम भी ऐसी हो गया, कुछ बादल बादल वाला, बारिश आनी चाहिए गाइस। चलो काम करते हैं फिर। तो गाइस, इधर भी छिटियों का ढेर लगा दिया है मैंने चक चक के, और ये लगे हैं वहाँ पे कटिंग करने गेड़े गेड़े में, और मौसम देख सकते हैं आप, बादल बादल वाला हो गया है। बारिश लग जाए आज बस, फिर बढ़िया होगा, नहीं तो धूल बहुत है गाइस। तो गाइस, ये देखो यहाँ लगा है इसमें कैंकर, कैंकर बोले तो सेब का कैंसर। अब इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा मेरे को, मतलब बहुत पेड़ों में लगा है ये, नहीं तो पेड़ पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, टाइम 4:15 हो गया है और हमने कर लिया छुट्टी, क्योंकि ठंड होने लग गई थी। तो बस अब जा रहे हैं यहाँ से, अब कल करेंगे आगे कटिंग। आज मैं जा रहा हूँ भैया के घर, पोनू भैया के घर। चलो फिर चलते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30, तो बस रेडी है हम खेत जाने के लिए। कल मैं भैया के घर हुआ था ना, तो अभी आ गया हूँ फिलहाल मामू के घर, क्योंकि मेरा चार्जर यहीं था, तो अभी फटाफट से पहले फ़ोन चार्जिंग में लगाते हैं और खुद निकलते हैं खेत की तरफ, फ़ोन लेने बाद में आ जाऊँगा। चलो फिर करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइस, टाइम बज रहे अभी 12 दिन के, बस अभी फ़ोन लेने गया था, चार्जिंग में लगाया था ना, हो गया फ़ोन फुल। बाकी 2 घंटे कंटिन्यू काम किया गाइस आज, बिना रेस्ट के। अभी थोड़ा रेस्ट लिया, फ़ोन ला लेता हूँ। बाकी यहाँ पे चढ़ाई बहुत है गाइस, थक गया हूँ। बाकी आज हम आपको दिखाते हैं डिटेल में, कटिंग के बारे में बताते हैं कैसे होती है। चलो फिर पहुँचते पहले खेत को। तो गाइस, पहुँच गए खेत में, टोपी निकाल दिए क्योंकि पसीना बहुत आ रहा। बाकी आज हमारे साथ भैया ही सिर्फ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो बस भैया है गाइस, आज तो लगे है कटिंग करने में, अभी तक छिटिया उठा रहा था गाइस, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ, बताएंगे आप क्या क्या होता है इसमें, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? नो आइडिया गाइस, बस काटते रहो अपने मन से, बता दो थोड़ा तो। नहीं बताना गाइस, ये शर्मा रहे है। तो गाइस, अब मैं चलूंगा भैया के पीछे पीछे, मैं भी देखूं जरा क्या क्या कर रहे हैं ये, पता मुझे कुछ लग नहीं रहा है, पर मैं फिर भी देखूंगा।
हाँ गाइस सीख रहा हूँ अभी मैं, अगले 10-12 सालों में मैं भी कर दूंगा कटिंग। 10-12 साल नहीं, अगली साल। ठीक है भैया ने बोल दिया ना अगली साल, तो बस अगली साल मुझे। हाँ इस साल मेरा काम छिट्टियाँ उठाने का है, अगले साल में कैंची उठाऊंगा गाइस। ये पॉन्ड एडिशन के लिए गोल्डन लगाया। अच्छा गोल्डन लगाया, ये वाला पॉलिनेशन के लिए गोल्डन लगाया गाइस ये। बाकी मौसम देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ है आज। झाड़ बनाएगा इस पेड़ का। अब हम इसको थोड़ा सा छांटेंगे टहनियों को, फिर काटेंगे ताकि इनमें धूप प्रॉपर तरीके से आ सके। गाइस धूप तो यहाँ आती नहीं है, देखो यहाँ नीचे तक आई है, यहाँ ऊपर को है ही नहीं धूप क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत है बड़े बड़े। ग्रोथ नहीं है गाइस पेड़ की हुई भी ढंग से, बहुत कमी है ग्रोथ की, ऐसा भैया का कहना है। मेहनत मांगता गाइस, मेहनत सिर्फ मेहनत मांगता है। तो गाइस यहाँ पे जो सेब है इनकी ग्रोथ ढंग से नहीं हुई है पेड़ की, क्योंकि सेब मांगता है मेहनत, और हम ठहरे साल में एक बार खेत आने वाले। अब लगता है मेरे को छुट्टी छुट्टी के टाइम आना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा काम तो करना पड़ेगा तभी कुछ बनेगा गाइस। बाकी ये देखो बच्चे भैया एन पेड़ में ऊपर ऊपर टॉप टॉप पे चढ़े गाइस, डर भी नहीं रहे है। ये देखो ऐसे छोटे ही पेड़ है यहाँ पे, बाकी यहाँ नीचे कुछ जितने पेड़ है वो बहुत बड़े बड़े है, जो ये किसके नानू वगैरह के खेत है ना वहाँ पे, क्योंकि ये करते हैं मेहनत, हम नहीं करते मेहनत। तो अब मेरे को आना ही पड़ेगा लगता है, जैसे संडे सेकेंड सैटरडे की छुट्टी के टाइम काम करने थोड़ा थोड़ा तभी कुछ बनेगा। चलो बाकी भैया से हम सीखते हैं थोड़ा थोड़ा कटिंग का क्या क्या होता है। अच्छा तो गाइस इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं पॉलिनेशन के लिए। गोल्डन है ये गाइस, गोल्डन ये पॉलिनेशन के लिए जरूरी। ये वाला आपने यहाँ से क्यों काटा बताएंगे? ग्रोथ आएगा इसमें। अच्छा तो गाइस यहाँ से इसमें ग्रोथ आएगी तभी ऐसे काटा है यहाँ से ना। अगर इसको काटते नहीं थे तो फिर इसमें बड़ी बड़ बन जाते हैं। यहाँ से होएगा नहीं अब। हाँ। तो गाइस यहाँ से इसमें नया वो निकलेगा, शूट निकलेगा, ग्रोथ इसमें यहाँ से होगी अब, तभी ऐसे काटा है। यदि इसका टॉप छोड़ते तो इसमें बड ज्यादा आ जाते हैं, बड बोले तो बी में ज्यादा रहती है गाइस। तो ऐसे काट के तब इसमें ग्रोथ होती है टॉप में काट के। ये देखो इधर भी काटा है, इधर भी काटा है, उधर भी काटा है, हर जगह काटा है ताकि ग्रोथ हो पौधे में। तो गाइस कटिंग तो बड़ा ही मुश्किल काम है। ये देखो पहले तो ऐसे पेड़ में चढ़ो, फिर उसके बाद छांट छांट के एन क्या निकालना है क्या रखना है, बड़ा मुश्किल है गाइस। चलो बस थोड़ी देर और करते हैं, 1 बजने वाला है, फिर हम लंच करने जाएंगे, थोड़ी देर और कर लेते काम। मैं तो अभी ऐसी हूँ, बस लंच करके आऊँगा उसके बाद उठाऊँगा छिटिया फिर से। तो गाइज हमने ले लिया है ब्रेक और अब हम चले हैं लंच करने। चलो फिर चलते हैं लंच करते हैं, उसके बाद का देखते हैं आगे। तो गाइज फाइनली खाना खा लिया है, अब हम चलते हैं फिर से खेत। चलो 12-13 पौधे रह गए, देखते आज ख़त्म होता है कि नहीं होता है, चलो फिर चलते हैं। तो गाइस फिर से स्टार्ट कर दिया हमने चढ़ाई चढ़ना शुरू खेत के लिए, ठंड होने लग गई है तो टोपी भी पहन दी है मैंने क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं लगती है गाइस, धूप का बड़ा पंगा है मतलब यहाँ खेत में। नीचे गांव में तो बढ़िया धूप लगी है, अभी थोड़ी देर धूप से की हमने चल पड़े है। चलो फिर चलते हैं, 13-14 पेड़ रहे हैं, भैया बोले आज ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम, तो चलो चलते हैं फटाफट से। तो गाइस नाउ बैक टू वर्क, अब चींटियाँ उठाता हूँ मैं क्योंकि कटिंग तो करनी आती नहीं, तो चींटियाँ उठाने का काम ही कर सकता हूँ। बाकी भैया नीचे पेड़ में चढ़ गया कटिंग करने, चलो उठा ही लेता हूँ थोड़ी।
लेट्स गो। भाई गाइस भैया पेड़ पे चढ़े हैं, बढ़िया गाने सुनते सुनते काम कर रहे हैं। तो गाइस कसम से छींटे उठाना भी ना बहुत मतलब इजी काम नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल है। कमर दर्द करने लग जाती है, कमर दर्द हो रही है, हाथ भी दर्द हो रहा है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। चलो कोई ना, उठाते हैं थोड़ी देर और, जितनी उठाई जाएगी अभी, बाकी कल उठा लूँगा फिर। वैसे भी अभी तो मैं यहीं हूँ, ठीक है करते हैं काम। तो गाइस यहाँ पे दो पेड़ बड़े कठिन थे, इनमें चढ़ने को भी और काटने को भी। वैसे दूसरे वाले में चढ़े भैया मतलब 50 मिनट से ज़्यादा हो गया, 1 घंटा होने वाला है दो पेड़ों में ही। चलो हौले हौले काम करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 4:15 और मेरी तो छुट्टियाँ चक चक के आती होगी, फट के 4 हो गई है। तो कर लिए छुट्टी, भैया अभी भी लगे हुए हैं, 5-6 पेड़ रहते हैं और देखते हैं क्या बनता है, पूरे काटे आज या फिर कल के लिए। वैसे तो काट ही देंगे पूरे, अब तो उनमें ज़्यादा काम नहीं है जो पेड़ बचे हैं। ठीक है रेस्ट मारता हूँ थोड़ा अब। हाँ जी क्या बोलती है पब्लिक, आज ही क्लोज करना है या फिर टाइम हो गया है 4:10। सोच में पड़ी गाइस ये। तो गाइस भैया अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं आज ही क्लोज करना है। अब लगता है क्लोज करके ही मानेंगे, मतलब 7-8 पेड़ रहे हैं, एक काट दिया है, 8 पेड़ थे, अब 7 रह गए। पहले 2 पेड़ गिरना भूल गए थे हम, तभी 5-6 हो रहा था। मैं चलो वेट करते देखते कब तक कटेंगे, 4:10 हो चुके हैं, मैं तो बैठ गया हूँ आराम से, ठंड लगनी शुरू हो गई है गाइस। तो गाइस टाइम हो गया है 4:30 और हमने कर लिया छुट्टी, मतलब पूरे सेब तो नहीं काटे, 4 पेड़ रह गए शायद, 4-5 पेड़। तो भैया को जाना था अभी थोड़ा दोबदा, तो वो निकल गए दोबदा, मैं चलता हूँ भैया के घर, एक कैंची वगैरह भी रखनी है। चलो फिर चलते हैं।